मॉर्निंग बच्चों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको समावेशी शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के समावेशन में आने वाली बाधाओं और समावेशित शिक्षा हेतु रणनीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं रेनू वैद आपको शिक्षा मनोविज्ञान के इन टॉपिक्स को क्लियर करवा रही हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ तो मेरा वीडियो ध्यान से सुनो। देखो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समावेशी शिक्षा में किन किन बालकों को शामिल किया जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा में पिछड़े बालक, अपवंचित बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, विभिन्न माध्यमिक शारीरिक मानसिक संवेगात्मक रूप से जो अस्थिर बालक है, उन बालकों को भी इसमें शामिल किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब बात आती है बच्चों, पिछड़े बालक कौन से होते हैं बच्चों? देखो बच्चों, आप जानते हैं एक कक्षा में जब टीचर पढ़ा रहा होता है उस समय कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि टीचर पढ़ा क्या रहा होता है। एक फोर्थ क्लास का बच्चा फोर्थ क्लास के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है, फोर्थ क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो बालक पिछड़ा हुआ है, उसके सीखने में कहीं ना कहीं कठिनाई है। तो वो बालक होते हैं बच्चों, उनको पिछड़े बालक कहा जाता है। उसके बाद आता है बच्चों अपवंचित बालक। अपवंचित बालक कौन से होते हैं? ऐसे बालक जो आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से समाज के अन्य बच्चों से अलग होते हैं, उन बच्चों को अपवंचित बालक कहा जाता है बच्चों। फिर आता है CWSN। CWSN का मतलब है बच्चों विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। अपवंचित बालकों में बच्चों बोल सकते हो आप SC, ST, श्रमिक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको, घुमंतु जो जातियां हैं उनके बच्चों, इन सब को जो है इसके अंतर्गत अपवंचित बालकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनमें आप शारीरिक रूप से विमंडित बालक, मानसिक रूप से विमंडित बालक, भाषाई अक्षमता वाले बालक, लिखने से संबंधित अक्षमता वाले बालक, गणितीय अक्षमता वाले बालक को जो है आप CWSN छात्रों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न बालक है, इन बालकों का जो समावेशन होना है उसमें क्या क्या बाधा आ सकती है वो इस वीडियो में देखते हैं। देखो बच्चों, शिक्षा तंत्र के समावेशन में, समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक कक्षा और एक विद्यालय में पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को उस प्रक्रिया को समावेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब है शिक्षा तंत्र में बाधा पहुंचाने वाले कारक, उसमें पहला है बच्चों बहुपरती शिक्षा प्रणाली। क्या है इसका मतलब? आप जानते हैं हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुपरत है, अलग अलग विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, पाठ्यक्रम में विविधता देखने को मिलेगी, पाठ्यचर्या में विविधता देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई बोर्ड अलग है, कई जगह CBSE बोर्ड है, कई स्कूल्स में RBSE बोर्ड है, कई स्कूलों में अन्य भी कई बोर्ड्स है जिनके पाठ्यक्रम में विविधता होती है। या आप समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है और एक हिंदी मीडियम का बच्चा है, अगर दोनों बच्चों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है जबकि हिंदी मीडियम के बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। तो ये बहुपरती शिक्षा प्रणाली के कारण बच्चे का समावेशन, एक हिंदी मीडियम का बच्चा अंग्रेजी माध्यम के बच्चे के साथ अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली। क्या है इसका मतलब? आप सब जानते हैं बच्चों आज एक कक्षा में औसत बच्चा भी है और एक बच्चा ऐसा है जिसके 90s में मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसके 60s में मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चे, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास में फेल भी हो जाते हैं। तो जब बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो उसकी मूल्यांकन के पीछे उसी बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
हो सकता है बच्चा फेल हो रहा है तो उसके पीछे शिक्षा तंत्र की भी समस्या हो सकती है, शिक्षक की भी समस्या हो सकती है कि वह उस बच्चे पर अगर एक्स्ट्रा ध्यान देता तो वो बच्चा अच्छे मार्क्स गेन कर सकता था, लेकिन उस बच्चे पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इसके अलावा आप देखते हैं बच्चों कि हमारी जो मूल्यांकन प्रणाली है, बच्चा क्या नहीं कर सकता, बच्चा क्या करता है और बच्चा क्या नहीं कर सकता पर ही जोर देता है, लेकिन बच्चा क्या क्या कर सकता है इस पर जोर नहीं दिया जाता है। तो हमारी मूल्यांकन प्रणाली जो दोषपूर्ण है, जिसमें परीक्षा के अंकों को ही मान्यता दी जाती है, अगर इसी पद्धति पर आगे बढ़ा जाएगा तो हम समावेशी शिक्षा के सपने को साकार नहीं कर सकते। और इसी के लिए हमने सीसी लाए। क्या लाए? सीसी। सीसी का मतलब बच्चों यह सतत समग्र मूल्यांकन, मतलब बच्चे का योगात्मक मूल्यांकन भी किया जाए और उस बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन भी किया जाए। समय समय पर जब बच्चा क्रियाकलाप कर रहा होता है उस समय भी बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो जो एक पद्धति हमारे सामने आती है वो आती है बच्चों समग्र सतत समग्र मूल्यांकन। ये जो सतत समग्र मूल्यांकन है इसमें दो मूल्यांकन होते हैं, एक रचनात्मक और एक योगा। तो ये जो मूल्यांकन प्रणाली है बच्चों, इस मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर ही हम दोष को मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त कर सकते हैं। आज आप जानते हो कई बच्चे ऐसे हैं जो औसत होते हैं लेकिन आगे जाकर के आईएएस ऑफर डॉक्टर्स इंजीनियर ये बन जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ने केवल उसको अंक दिए हैं लेकिन उसकी अदर क्वालिटीज को ध्यान में नहीं दिया। बाद में जब बच्चे ने अपनी क्वालिटी को पहचाना तो उसने उस समाज में बहुत आगे करके दिखाया बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों विद्यालय तक पहुंच। आप सब जानते हैं बच्चों आज भी हमारे देश में ऐसी जनजातियां हैं, ऐसे इलाके, दुर्गम इलाके हैं कि बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है। बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखो बच्चों, अगर कहीं दुर्गम जगह स्कूल बना हुआ है तो बच्चा स्कूल तक नहीं जा पाता है। आदिवासी जनजातियां ऐसी जगह पर रह रही है, ऐसी जंगली या मान सकते हो पहाड़ी इलाकों में रह रही है, वहां तक बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है, विद्यालय तक नहीं जा पा रहा है। कई घुमक्कड़ जाती है उनके बच्चे भी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्हें समावेशी शिक्षा कैसे दी जा सकती है, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सकता है बच्चों? तो इसीलिए हमारे देश में आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे, और पहुंच भी पा रहे हैं तो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं नामांकन करवा देते हैं लेकिन विद्यालय में रूटीन में आते ही नहीं है, तो विद्यालय में नहीं आएंगे तो अधिगम कैसे सीख पाएंगे? तो हमने क्या देखा? तीन विशेषताएं देखी, बहुपरती शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली और विद्यालय तक पहुंच। इसके अलावा भी शिक्षा के समावेशन में बाधा पहुंचाने वाले कारक निम्न है। देखो, चौथा है आपका विद्यालयी पाठ्यचर्या। आप सब जानते हैं बच्चों विद्यालय में जो एक्टिविटी बच्चों को करवाई जा रही है उसमें शिक्षक बहुत ज्यादा बिजी रहता है, विषय वस्तु को पढ़ाने में बिजी रहता है, तो उसका बच्चों पर ध्यान नहीं जाता है, वो नहीं समझ पाता है पिछड़ा बालक कौन सा है, अपवंचित बालक कौन सा है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए विद्यालय पाठ्यचर्या में विविधता देनी पड़ेगी, विद्यालय पाठ्यचर्या को लचीला बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा उस पाठ्यक्रम को सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है इसका हमें ध्यान नहीं रह पाएगा, इसलिए विद्यालय पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए, समय के अनुसार उसमें बदलाव होने चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों बच्चे की अस्मिता के प्रति शिक्षक का नजरिया। आप सब जानते हैं बच्चों कि आज भी कई शिक्षक ऐसे हैं जो विकलांगों को हीन और हेय दृष्टि से देखते हैं, मंद बुद्धि बालकों को हेय दृष्टि से देखते हैं। तो समाज में शिक्षकों का, माता पिता का, उन सब का नजरिया बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों?
उन सब का नजरिया बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन सब का नजरिया बदलने के लिए विकलांग बच्चों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना पड़ेगा। और जब पता चलेगा कि बच्चा समाज में बहुत अच्छा कर पा रहा है, तो उस समय क्या होगा? बच्चे की अस्मिता के प्रति शिक्षकों के नजरिए में बदलाव हो पाएगा। उसके बाद आता है पांचों पढ़ लिए तो शिक्षा तंत्र के समावेशन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला, बहुपरती शिक्षा प्रणाली। दूसरा, दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली। तीसरा, विद्यालय तक पहुंच। चौथा, विद्यालयी पाठ्यचर्या। और पांचवा, बच्चे की अस्मिता के प्रति शिक्षकों का नजरिया। इसके बाद आता है बच्चों CWSN छात्रों के समावेश। आपने देखा बच्चों CWSN छात्रों के समावेशन में क्या क्या बाधाएं आती है? वास्तुकला संबंधी आपने देखा, बच्चे कई बच्चे जो ऐसे हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, तो सीढ़ियां प्रॉपर स्थान पर नहीं है, बाथरूम्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, लड़कियों के लिए अलग से बाथरूम नहीं है, लड़कों के लिए अलग से बाथरूम नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई, पर्याप्त मात्रा में कमरे नहीं बने हुए हैं ताकि बच्चे आसानी से सुन सके। तो वास्तुकला संबंधी, इमारत संबंधी, इमारत संबंधी इमारत का निर्माण इस तरीके से नहीं करवाया जाता है ताकि बच्चा खुले रूम हो, खुला मैदान हो, प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा सके, क्योंकि हर बच्चा दूर जाकर के प्रतियोगिताएं या कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पाता। स्कूल्स में ही ज़्यादातर कार्यक्रम करवाने के लिए असेंबली हॉल नहीं है, सेमिनार के लिए बड़े बड़े हॉल नहीं है, तो कई ऐसी समस्याएं आती है CWSN छात्रों के साथ। फिर आता है बच्चों परिवहन संबंधी। आप सब जान पा रहे होंगे बच्चों कि CWSN जो छात्र है उनके लिए परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अगर बच्चा चल नहीं पा रहा है तो बच्चे के साथ क्या होगा? बच्चा स्कूल तक पहुंच नहीं पाएगा, और स्कूल तक अगर बच्चा नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा? वो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आता है बच्चों मनोरंजन। मनोरंजन के साधन हर बच्चे के अलग अलग होते हैं। किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, किसी को खेलकूद करना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को बैडमिंटन अच्छा लगता है। तो मनोरंजन संबंधी साधन अगर स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो वो बच्चा सामान्य बालकों के साथ समावेशन नहीं कर पाता है। उसके बाद आता है कक्षा का बड़ा आकार। आप जानते हो अगर कक्षा में 20 या 25 बच्चे हैं, अगर कक्षा में 30 या 40 बच्चे हैं, या कक्षा में 50 या 55 बच्चे हैं, तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे शिक्षक व्यक्ति भिन्नता पर ध्यान नहीं दे पाएगा। बच्चा टीचर जो है एक पर स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे विषय वस्तु को भी पढ़ाना है, उसको कॉपी गृह कार्य भी देना है, उसको CW भी करवाना है। तो बच्चा या ना तो बच्चे का ध्यान शिक्षक के प्रति रहता है, ना शिक्षक इंडिविजुअल लेवल पर बच्चों पर ध्यान दे पाता है। ठीक है, तो कक्षा का बड़ा आकार भी शिक्षा के समावेशन में बाधा पैदा करता है। उसके बाद आता है माता पिता का प्रतिरोध। आप सब जानते हैं बच्चों, अगर माता पिता नहीं चाहते कि बच्चा स्कूल में पढ़े तो भी वो समावेशी नहीं बन पाता है। अगर उसे समाज, आसपास का वातावरण, माता पिता उसके अंदर हीन भावना, नकारात्मक भावना पैदा करते हैं बच्चों, तो भी बच्चा आगे नहीं कर पाता है और समावेशी नहीं बन पाता है। तो आसपास का वातावरण, माता पिता का व्यवहार और उनका सकारात्मक दृष्टिकोण विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आता है अधिक पाठ्यक्रम। आप सब जानते हो एक टीचर को समयबद्ध रहते हुए पाठ्यक्रम को पूरा करवाना पड़ता है, विषय वस्तु को पूरा करवाना पड़ता है। तो शिक्षक के ऊपर विषय वस्तु और पाठ्यक्रम को पूरा करवाने का भार रहता है। छात्रों के पास गृह कार्य रहता है, छात्र जो है दूसरे छात्र की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक अधिक पाठ्यक्रम होने की वजह से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सही अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, एक टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पाते और दूसरा टॉपिक उनके सामने आ जाता है। तो अधिक पाठ्यक्रम भी
शिक्षा के समावेशन में बाधा पैदा करता है। उसके बाद आता है बच्चों आर्थिक पृष्ठभूमि। आप सब जानते हैं माता पिता की आर्थिक स्थिति का बच्चे पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप सब जानते हैं अगर माता पिता की आर्थिक कमजोरी है तो वो स्कूल नहीं भेजेंगे। दूसरा, अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो क्या होगा, बच्चा अगर दृष्टिबाधित है तो बच्चे को अगर चश्मा समय पर उपलब्ध नहीं दिया गया, उसको समय रहते हुए चिकित्सकीय परामर्श नहीं दिया गया तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा सही अधिगम नहीं कर पाएगा, उसकी योग्यताओं का विकास नहीं हो पाएगा, उसकी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाएगा। तो आर्थिक पृष्ठभूमि का भी बच्चे की शिक्षा पर असर पड़ता है। उसके बाद आता है लड़कियों को प्रभावित करने वाली शैक्षिक अपेक्षाएं। आप सब जानते हो कि आज के जो टीचर्स हैं वो लड़का और लड़की दोनों की शैक्षिक अपेक्षाएं कम होती है, क्योंकि शिक्षकों की मेंटलिटी होती है कि लड़कियां रटन प्रवृत्ति वाली होती है, लड़कियों को गणित की विद्वता नहीं होती, उनके लिए केवल आर्ट्स बनी है, उनके लिए गृह कार्य संबंधी कार्य बचे, तो उनकी ये मेंटलिटी लड़का और लड़की में विविधता करता है और शिक्षा के समावेशन में बाधा पैदा करता है। तो शिक्षा के समावेशन में या CWSN छात्रों में या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में क्या क्या बाधाएं हैं, पहला वास्तुकला संबंधी, दूसरा इमारत संबंधी, तीसरा परिवहन संबंधी, चौथा मनोरंजन संबंधी, पांचवा माता पिता का प्रतिरोध, छह नंबर पे कक्षा का बड़ा आकार, अधिक पाठ्यक्रम, आर्थिक पृष्ठभूमि, लड़कियों को प्रभावित करने वाली शैक्षिक अपेक्षाएं, ये सब शिक्षा के समावेशन में बाधा पैदा करती है। अब बात आती है बच्चों कि ये जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं और समावेशी शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी रणनीतियां अपनानी होगी, कौन कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए। तो देखिए समावेशी विद्यालय वातावरण, अगर बच्चे का इमारत और वास्तुकला का निर्माण ऐसे किया जाएगा, बड़े बड़े खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा, सीढ़ियां भी होगी और उसके साथ साथ में सीढ़ियों के का सहारा लेने के लिए स्लिप वाली जो सीढ़ियां आती है उनकी व्यवस्था भी होगी ताकि व्हील चेयर पर चलने वाला बच्चा भी आसानी से चल सके, खुले हवादार रूम होंगे तो भी बच्चा अच्छे से समावेशित होगा, शिक्षकों का CWSN छात्रों के प्रति विशेष रवैया न रखकर उनके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक भी सामान्य बालक की तरह ही सब कुछ कर सकता है। उसके बाद आता है सबके लिए विद्यालय। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था समावेशी शिक्षा में हर बच्चे को एक ही विद्यालय में शिक्षा उपलब्ध करवाना है, उसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, पिछड़े बालक, अपवंचित बालक, शारीरिक रूप से विमंडित बालक, मानसिक रूप से विमंडित बालक, सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है तो सबके लिए विद्यालय की व्यवस्था करनी होगी। मतलब जो भी बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए हर एक किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय बनाना होगा, हर दो किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाना होगा, प्राथमिक विद्यालयों को धीरे 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 करके उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तब्दील करना पड़ेगा, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिलाकर के माध्यमिक विद्यालय बनाना होगा, हर 5 किलोमीटर पर एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए और 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। तो शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने के लिए, शिक्षा को हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए बच्चों विद्यालय की स्थापना करनी होगी, शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना होगा और सबके लिए अगर विद्यालय बनाने हैं बच्चों तो दुर्गम और जो आदिवासी इलाके हैं उनमें भी विद्यालयों की स्थापना करनी होगी, तब जाकर के हम सबके लिए विद्यालय और समावेशित शिक्षा के सपने को साकार कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम। मतलब यह है पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, समय के अनुसार उसमें बदलाव होने भी
चाहिए और पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए कि हर प्रकार का बच्चा अपनी योग्यता और क्षमता का विकास कर सके, उसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास हो सके, उसमें सामाजिक कौशल का विकास हो सके। तो पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए और समय समय पर उसमें परिवर्तन होने चाहिए। आप जानते भी हो पाठ्यक्रम के बारे में, आपको पता है NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 है, आया नहीं आया? NCF 2005 में कहा गया बोझ रहित शिक्षा अवेलेबल करवाई जाए, केवल बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाए, उसका ज्ञान ऐसा दिया जाए ताकि वो उस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान के साथ कनेक्ट कर सके। बोलो था कि नहीं था? कि NCF 2005 में कहा गया कि बालकों को जो शिक्षा दी जाए वो बोझ रहित हो, मतलब बोझ रहित शिक्षा, बोझ रहित शिक्षा, केवल उस बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाए, उसको वास्तविक जीवन के साथ कनेक्ट करके ज्ञान दिया जाए ताकि आगे आने वाले जीवन में वो ज्ञान उसके काम आ सके। तो पाठ्यक्रम जो होगा वो NCF 2005 के अनुसार हो रहा है और कई राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने भी पाठ्यक्रम में बदलाव का सुझाव समय समय पर दिए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। उसके बाद आता है बच्चों सहायक तकनीकी उपकरणों का उपयोग। आप जानते हैं एक कक्षा में अगर समावेशी शिक्षा दी जा रही है, अगर कोई दृष्टि बाधित बच्चा है तो उसको आगे की रो में बिठाना चाहिए, अगर कोई बच्चा स्वर्ण बाधित है तो उसको यंत्रों का उपयोग करवाना चाहिए, अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो बार बार उसको प्रोजेक्टर के द्वारा मॉनिटर, चित्र, मॉडल्स, प्रतिरूप, प्रतिमान, इन सब के बारे साथ में लेकर के उनको समझाया जाना चाहिए। कक्षा के वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, कक्षा का वातावरण उचित होना चाहिए, उसमें सामंजस्य होना चाहिए। तो बच्चा अगर इन तकनीकी उपकरणों का हम यूज़ करेंगे तो हर प्रकार का बच्चा एक ही कक्षा में बहुत अच्छा कर पाएगा, अपनी योग्यता का और अपना सर्वांगीण विकास कर पाएगा। उसके बाद आता है समुदाय की सक्रिय भागीदारी। आप सब जानते हो समावेशी शिक्षा में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसमें अभिभावकों को भी बुलाया जाएगा, अभिभावकों के विचार लिए जाते हैं, अभिभावक अपने विचार देता है, अध्यापक अपने विचार देता है, तो जब उनकी सक्रिय भागीदारी होती है, स्कूल किस तरह से संचालित हो रहे हैं, टीचर्स किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर अध्यापक इस बात को ध्यान रखेंगे तो बच्चों जो सीखने और सिखाने में जो बाधा आ रही है वो समस्या धीरे 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 क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। उसके बाद है शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण। वो आप सबको महाविद्यालय में मिल ही रहा है कि शिक्षकों को अगर प्रशिक्षण अच्छा मिलेगा, जैसे मैं आपको समावेशी शिक्षा पढ़ा रही हूँ, आप आगे आने वाले एक शिक्षक हैं और आपको एक ऐसे स्कूल में पढ़ाना है जहाँ सामान्य बालक भी है, मंद बुद्धि बालक भी है, विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक भी है, पिछड़ा बालक भी है, अपवंचित बालक भी है, तो आप उस क्लास में पढ़ाने के लिए किन किन टेक्निक्स का यूज करते, परंपरागत तकनीकों का उपयोग नहीं करके गैर परंपरागत, जैसे आज मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, ये मॉडर्न क्या है टेक्नोलॉजी है कि आज आप कोरोना से हम पीड़ित हैं और आज हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, आज हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ताकि तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं रुके। तो मैं जो नॉलेज आप लोगों को दे रही हूँ उसमें मैं किसका यूज कर रही हूँ? टेक्निक का यूज कर रही हूँ और सभी बच्चों को घर बैठे सुविधा मुहैया करवा रही हूँ कि वो घर बैठे समावेशी शिक्षा का अध्ययन कर सके और तुम्हारा ये जो बेशकीमती वक्त है वो बर्बाद ना हो। तो ये है समावेशी शिक्षा की रणनीतियाँ, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की रणनीतियाँ। एक बार और देख लो बच्चों, समावेशी विद्यालय वातावरण बनाना होगा, सबके लिए विद्यालयों की सुविधाएं करनी होगी, बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाना होगा, तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना पड़ेगा, समुदाय की सक्रिय भागीदारी लेनी पड़ेगी, शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ये सब जो है समावेशी शिक्षा हेतु रणनीतियां हैं। इससे पहले हमने बाधा पहुंचाने वाले कारक पढ़े थे, उसमें पहला पढ़ा था बहुपरती शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली,
विद्यालय तक पहुंच, विद्यालय पाठ्यचर्या, बच्चों की अस्मिता के प्रति शिक्षकों का नजरिया। तो बच्चों, अगर हम इन बाधाओं से निजात पा लेंगे तो हम समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको जो ये बाधाएं रणनीतियां बताई उसके पॉइंट्स को आप सबको आगे बढ़ाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आप चाहते हैं कि मैं समावेशी शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के इन टॉपिक्स को आप सबको क्लियर करूं, तो आप मेरे इस नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल कर आइकन के बटन पर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स, लाइक्स और व्यूज दें ताकि मैं आगे के वीडियो को कंटिन्यू रखूं। देखो बच्चों, जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगी मैं क्वेश्चन वाइज आपको समझाऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने हैं, किस टाइप से आप उनको आंसर दे सकते हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज मैंने आपको समावेशी शिक्षा की बाधाएं रणनीतियां पढ़ाई है, आप इनको ध्यान से पढ़े, रेफरेंसेस बुकों का सहारा लें। धन्यवाद।